Good evening and the Mystic Lotus and Dragonflies awesome masterclasses में आपका स्वागत है. आज एक बहुत खास दिन है. दो चीजें पहली बार हो रही हैं. एक तो शायद आप समझ ही गए हैं. जी हाँ, पहली बार एक पूरा कॉल सिर्फ हिंदी में होने वाला है. और दूसरी बात यह है कि आज की हमारी एक्सपर्ट हीलर पहली बार आज हमारे साथ मिस्टिक लोटस के साथ अपना डेब्यू यानी कि किसी प्लेटफॉर्म या माध्यम पे पहली बार आना कर रही हैं. डेब्यू वो बेशक कर रही हो कॉल पे, पर उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एक्सपर्टीज 21 सालों की है. उन्होंने हजारों की मदद की है, चाहे वो हेल्थ स्वास्थ्य रिलेटेड हो, रिलेशनशिप्स रिश्ते को लेकर हो या फिर पैसे लेकर हो. अपने हीलिंग के पिटारे से कुछ ना कुछ निकाल के उन्होंने बहुतों की जिंदगी को छुआ है, बदला है. और उनके एक्सपीरियंस की पिटारे में क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, इंक्लूडिंग थीटा स्वॉप, न्यूमरोलॉजी, रेकी, करुणा रेकी, एंजल टैरो, डाउजिंग, एक्सेस कॉन्शियसनेस, मंत्र, बहुत कुछ. मुझे पता है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो आइए आज हम भी उनसे दो बातें कर ही लेते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज अपने हाथ मिलाइए और मुझे ज्वाइन कीजिए एक प्यारा सा मिस्टिक लोटस वेलकम देने के लिए टू बबीता सचदेव. बबीता जी, वेलकम इन, स्वागत है आपका. थैंक यू. आई हैव बोलना पड़ेगा, आप बहुत सुंदर लग रही हैं एंड आपकी आपकी सिग्नेचर लाल बिंदी माशाल्लाह. थैंक यू. तो बबीता जी, शुरुआत करते हैं आपकी शुरुआत के साथ. आप इस फील्ड में, इस दिशा में आपकी रुचि कैसे हुई, कहां से आपकी शुरुआत हुई है इस फील्ड में? मेरी शुरुआत हुई, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था, तो कहीं पर मैं, जहां पर मैं रेकी के बारे में भी नहीं जानती थी, तो वहां पर कथा होती है जैसे भागवत कथा वगैरह होती है, तो वहां पर मैं गई हुई थी. तो वहां पर एक किताब लिखी थी रेकी की बुक, वो मैं उठा लाई, ले ली मैंने और उसको पढ़ा. और फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि कोई मुझे मिल जाए और मुझे रेकी सिखाए. मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, उन्होंने मुझे सिखाई और काफी अच्छा रहा. सबसे पहले मैंने अपने घुटनों का ट्रीटमेंट किया, अपने अपने आप को रेकी दी. उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं अपने आप को स्वस्थ कर सकती हूँ तो कितने लोग स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मैं इतनी पेन में थी कि मेरा डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था और मैं उस समय 35 इयर्स की थी बस. तो यही से आपकी जर्नी शुरू हुई, आपका ये पूरा. फिर मैंने रेकी ली और लोग, सॉरी बबीता जी, आई थिंक आवाज बहुत. हाँ जी, हाँ जी. फिर उसके बाद बहुत लोगों ने मेरे से रेकी भी सीखी है, करुणा रेकी भी सीखी, और लोगों ने बहुत अपने लिए भी बहुत अच्छा किया. Fantastic. And इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है ना बबीता जी. आपको कुछ पता भी नहीं था इसके बारे में, बाई चांस एक किताब उठा ली और फिर बस प्रार्थना भी कर ली, एंड वो सब के साथ साथ आपको एक गुरु भी मिल गए और आपकी ये शुरुआत हुई. बबीता जी, इतने सालों में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी मोडालिटीज सीखी हैं, थीटा, न्यूमरोलॉजी, एक्सेस कॉन्शियसनेस, डाउजिंग, टैरो. तो दो सवाल है यहाँ पे मेरे आपके लिए. एक तो, क्या जब आप हीलिंग करती हैं क्या आप सब एक साथ यूज करती हैं? और उसके साथ एक और चीज मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये सब मोडालिटीज जो आपने सीखी हैं, इसके बारे में आप कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जब अगर कोई आता है मेरे पास और वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताता है, तो मैं क्रिएटर से ये पूछती हूँ कि मुझे इसके लिए क्या चीज करनी चाहिए. मंत्रा करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी करना चाहिए, थीटा करना चाहिए, या एक्सेस कॉन्शियस के बार रन करनी चाहिए, क्या करना चाहिए.
वो मैं पहले सोचती हूँ, या मुझे एंजल थेरेपी करनी चाहिए, मेडजेकिल मेटाटॉन के सिंबल्स करने चाहिए, तो फिर मैं देखती हूँ कि उसको कितनी जल्दी कैसे आराम आ सकता है। क्योंकि जो भी चीजें हम सीखते हैं सबका पर्पस अलग अलग होता है, लेकिन मेन तो एक ही क्रिएटर होता है जो हमें बताता है कि ये कितनी जल्दी ठीक हो सकता है और इसको कैसे आराम पड़ सकता है और कैसे वो अपनी विशेष को पूरी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं, कोई मेंटली है, कोई मन से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है, कोई बच्चों से है, कोई रिलेशनशिप में है, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। एक बात बताइए बबीता जी, जैसे आपने कहा कि आप प्रार्थना करती हैं, आप क्रिएटर से पूछती हैं कि इनके लिए जो आए हैं किसी एक समस्या को लेकर आपके पास हीलिंग के लिए, जवाब तो आपको ऑब्वियसली मिलता है वहां से, पर कुछ तो एक होगा जो आप हमेशा यूज करती हैं, जो आपका सबसे ज्यादा यूज किया हुआ आपके पिटारे में है, एक तो कुछ होगा। हाँ देखिए, एक सिक्स सेंस भी होती है इंसान की। जब वो इतनी पूजा पाठ करता है, मंत्र जाप करता है, मुझे पूजा करना बहुत पसंद है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, तो उससे मुझे इंट्यूशन आ जाती है कि ये कितनी जल्दी किस चीज से ठीक हो सकता है। प्रेयर्स, प्रार्थना में आप, आपका सबसे ज्यादा प्रार्थना की तरफ है, और मोडालिटीज के लेवल से कुछ है जो आप हमेशा यूज करती हैं, चाहे और कुछ यूज करें ना करें, मैं रैकी बहुत यूज करती हूँ, और थीटा स्वाप। थीटा स्वैप, क्योंकि थीटा तो हमने 2016 में सीखा है, उससे पहले अब उसे रेगुलरली यूज कर रही हैं। ओके यस अब मैं बहुत यूज कर रही हूँ, क्योंकि थीटा मैं बहुत अच्छा करती भी हूँ और मुझे विश्वास भी बहुत है। बबीता जी, मुझे एक बात बताएं, सबसे ज्यादा क्या समस्याएं हैं या इश्यूज हैं जिनको लेकर लोग आपके पास आते हैं सबसे ज्यादा? आप इतने सालों से कर रही हैं, कुछ तो होगा जो सबसे ज्यादा लोगों को अफेक्ट करता है और जिसको लेकर वो आपके पास आते हैं। बिजनेस के लिए आते हैं, रिलेशनशिप के लिए आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं, और सबसे ज्यादा सबको चाहिए शांति, पीस। क्योंकि जब सबके पास शांति होगी तो सब कुछ अपने आप आने लगेगा। क्या ये कहा जा सकता है बबीता जी कि मैक्सिमम जो आपके पास आते हैं या तो हेल्थ को लेके आते हैं या फिर पैसे को लेके आते हैं, क्योंकि रिश्ते शांति सब कुछ इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तो इन्हीं दोनों के बीच में है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं दो चीजों को लेकर आपके पास आते हैं? हाँ जी, और कई बार हेल्थ के इशू आते हैं तो वो भी आते हैं, लेकिन जब उनके अंदर एक प्रोटेक्शन आ जाता है या प्रेम आ जाता है तो वो अपनी चीजों को बहुत जल्दी हटा सकते हैं। हम इसलिए उनको सिखाना चाहते हैं, आई लव माई सेल्फ। जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, प्यार करना शुरू कर देंगे, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, तो क्या होगा, आपके पास पैसा भी आएगा, शांति भी आएगी और रिलेशनशिप भी अच्छी हो जाएगी, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। जी हाँ, इनफैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगी बबीता जी सबके साथ कि मैंने आपके साथ काम किया हुआ है, मैंने आपसे हीलिंग ली हुई है, और मैं चाहूंगी, मैं तो डेफिनेटली शेयर करूंगी मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, पर मेरे बोलने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको बबीता जी, ये सब चीजें हम बातें तो बहुत कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये चीज है, थीटा ये काम करता है, न्यूमरोलॉजी ये काम करता है, एक्सेस ये काम करता है, इसको हम ऐसे यूज करते हैं। सबसे अच्छी चीज जो होती है बबीता जी किसी के लिए, एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, सही, खुद की जो एक एक्सपीरियंस हो जाती है इमिजिएटली आज के दिन कॉल पे, क्या ये पॉसिबल है लोगों के लिए?
इट इज वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आप बोलने के लिए. ये हमारा हमारा मैजिक वर्ड मिस्टिक लोटस में ये है, यस. हाँ, एवरीथिंग इज यस, सब कुछ हाँ है. इनफैक्ट मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कुछ भी आप, बबीता जी बिफोर, उससे पहले विभावरी का सवाल आया है. नमस्कार बबीता जी, थीटा स्वॉप क्या है, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल. थीटा क्या है? थीटा में हम यूनिवर्स में क्रिएटर से बात करते हैं सेवन प्लेन पर जाकर, और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उसमें खुद काम नहीं करते हैं. जैसे आपका क्वेश्चन है कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो पहले हम उसका स्पेस क्लियर करेंगे क्रिएटर से कहके, और फिर उसके अंदर अनकंडीशनल लव देंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये दर्द कब से है, जब हुआ था तो क्या हुआ था, आपका उस समय कौन सा इमोशन था, आप किस चीज पे काम कर रहे थे. तो जब हम डिगिंग करेंगे और बात करेंगे तो धीरे धीरे आपके रूट तक पहुंचेंगे कि ये दर्द कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कैसे जाएगा. इतना सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. हिंदी में बोलूंगी, लाजवाब. हाँ, और बहुत अच्छे से होता है लोगों का. मेरे पास काफी पेशेंट्स आते हैं, कैंसर के भी आते हैं, डायबिटिक भी आते हैं, मैं उनको 5 सेशन देती हूँ. अस्थमा के भी आते हैं. अस्थमा क्या है? एक इमोशन बैग ले रखा है लोगों ने. अब ये नहीं पता वो माँ के गर्भ से लाया है, जब वो माँ के पेट में था तो क्या माँ के इमोशंस थे उस वक्त. तो हम फिर क्या करते हैं, वूम हीलिंग करते हैं कि उसमें माँ, जब वो बच्चा माँ के पेट में था तो माँ के क्या इमोशंस थे. क्योंकि आप ये तो सब जानते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो क्या क्या लेकर आता है, तो वो सारी चीजें देखने के बाद वो निकालते हैं और फिर वहां जाते हैं जहां पर उसका रूट है, कब शुरू हुआ. तो धीरे धीरे अस्थमा के पेशेंट्स भी ठीक हो जाते हैं, और करेक्ट, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं. और सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जिसके अंदर ठीक होने की इच्छा है वो जरूर ठीक हो. जी, ये सबसे बड़ी बात है ना बबीता जी, अगर कुछ हो रहा है, आपको कुछ समस्या है, आप 1000 डॉक्टरों के पास चले जाइए, दवाइयां खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर अगर शरीर, दिल, दिमाग, शरीर तैयार नहीं है, मानना ही नहीं चाहता, लेना ही नहीं चाहता, तो कुछ फायदा नहीं है. आपको ठीक होने की इच्छा अंदर से लानी है, तभी काम होता है. माइंड, बॉडी, सोल, तीनों को बैलेंस होना जरूरी है हमारा, और हमारे शरीर के 5 तत्वों का बैलेंस होना जरूरी है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस होना जरूरी है. सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं. अब हम पॉजिटिव बोल रहे हैं और सोच रहे हैं नेगेटिव, तो बॉडी क्या ले रही है? कंफ्यूजन में है, कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो. तो इसलिए हमें कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, सब पर देखना पड़ता है कि वो बंदा कैसे काम कर रहा है. और ये सब थीटा के साथ बबीता जी? हाँ बिल्कुल. जब हम स्कैनिंग करते हैं तो फिर उसमें हम देखते हैं कि इसका लीवर कैसे काम कर रहा है, किडनी पे क्या इफेक्ट है, लंग्स पे क्या है, सब कुछ पता चलता है. बहुत इंटरेस्टिंग, सॉरी बबीता जी. जी जी हाँ, लेकिन धीरे धीरे किस तरह से जो हमारे पास आया है उसको हम कैसे अपने नजरिए से उसको बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोग तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं. रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं. हाँ, हुआ ही नहीं था, मैं तो बहुत खुश हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आया है बबीता जी.
अरुणा पूछ रही हैं, जो आपने बोला कि इस चीज के जड़ तक हम जाते हैं, रूट पे जाते हैं, ये कब हुआ, कैसे हुआ, उस टाइम आपकी इमोशनल स्थिति क्या थी। तो अरुणा पूछ रही है कि अगर मेमोरी में ना हो वो चीज, अगर पेन का कारण ना पता हो, तो क्या होता है, ये हीलिंग हो पाती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, हो सकता है मेमोरी में नहीं है। जब हम उससे बात करते हैं तो थीटा में जाकर हम बात करते हैं, तो हम क्रिएटर से पूछते हैं, क्रिएटर हमें बताइए कि ये क्यों हुआ। इसको मेमोरी में नहीं होती है हर चीज, तो कोई बात नहीं है, फिर क्रिएटर से पूछते हैं, फिर क्रिएटर से पूछते हैं, क्रिएटर मुझे सच्चाई दिखाओ। जब हम बिल्कुल ऊपर जाकर थीटा बीटा अल्फा सब में ऊपर जाके क्रिएटर से बात करते हैं, तो क्रिएटर से बार 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 यही क्वेश्चन करते हैं, क्रिएटर हमें बता। क्योंकि थीटा में हम अपना दिमाग नहीं लगाते, एक हायर पावर है। हाँ, जो भी वो हमें बताएंगे हम वही बताएंगे। यहाँ पर बबीता जी, आपके परमिशन के साथ मैं अरुणा को बोलना चाहूंगी कि आपको कुछ याद हो ना हो, चाहे आप उस चीज को बाहर निकालना चाह रहे हो कि नहीं, मैं आपको बोल सकती हूँ कि बबीता जी आपसे निकलवा के ही रहेंगी। वो माँ है, वो दोस्त है, जो जानते हैं कि कुछ चल रहा है आपके साथ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा बहुत जल्दी, कि कुछ सही नहीं है। और वो होते हैं ना, नहीं बताओ नहीं बताओ नहीं बताओ, तो यही बबीता जी आपके साथ आपके एक्सपीरियंस को पीछे ले जाती है। एंड अगर आप में रेजिस्टेंस भी है कि कुछ आ नहीं रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, या आपके बैरियर्स खड़े हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगी, वो दूसरे सवाल पे चली जाएंगी, तीसरे पे, चौथे पे, और ले देकर कहीं ना कहीं कुछ लिंक ढूंढ ही लेंगी, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, आपके साथ पूरे टाइम रहेंगी। तो अरुणा, आई होप कि ये आपको हेल्प करता है। मनीषा पूछ रही है कि थीटा में हम अपने इश्यूज के बारे में कैसे जानते हैं, और भारती आपका प्लस एट अ सेल्यूलर लेवल, आप कुछ बोल रही हैं या कुछ सवाल पूछ रही हैं? आई एम सॉरी, मुझे समझ नहीं आया, तो भारती अगर आप प्लीज रीफ्रेज कर दें। एंड हाँ जी, तो मनीषा पूछ रही हैं कि हमको कैसे हमारे इश्यूज थीटा में कैसे पता चलते हैं। मनीषा, आई थिंक आपने शायद अभी कॉल ज्वाइन किया है, बबीता जी यही एक्सप्लेन कर रही थी, एक और बार थोड़ा सा समझा दीजिए बबीता जी, काफी लोग ने अभी ज्वाइन किया है। क्या कह रही हैं कि थीटा में हमारी जो इश्यूज हैं वो थीटा में कैसे पता चलती हैं? इनसे पूछिए इनका क्या इशू है, ये अपना इशू बताएं तो मैं बताऊंगी इनको कैसे इशू पता करते हैं। उनको ले आए कॉल पे? हाँ जी, फैंटास्टिक। मनीषा, ओ देयर यू आर, आप हैं यहाँ पे? हाय, आप वीडियो पे आ सकती हैं प्लीज? या हाय हाय मनीषा, बबीता जी, मनीषा बबीता जी। अच्छा बबीता जी, मुझे पूछना था, मेरे को हेल्थ इश्यूज है, तो वो कैसे मुझे पता पड़ेगा कि वो किस से कनेक्टेड है? बिकॉज मैंने बहुत सारा फिजियोथेरेपी कराया है बैक रिलेटेड इश्यूज के लिए, और अगेन एंड अगेन पेन कम्स बैक। तो आपके कहाँ पर पेन है? स्पाइन में इश्यूज है, डिस्क पल्स, फाइब्रोमायल्जिया। जरा बताइए कहाँ पर? लोअर बैक, आपका फेस नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है बस। हाँ आप ठीक है। ये मनीषा जी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जी। आपको ये कब से हुआ? करीब 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से पहले आप ठीक थी? थोड़ा बहुत पेन रहता था लेग में जब जिम जाती थी, बट इतना नहीं होता था, बट लास्ट फ्यू इयर्स बहुत खराब रहा।
5-6 साल से ज्यादा थकी। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ 8-9 साल पहले कि आपको दर्द शुरू हुआ? मेंटल इश्यूज आए थे, रिलेशनशिप इश्यूज थे, मतलब ऐसा टाइम आया था कि वो बोलते हैं ना पांव के नीचे से धरती निकल जाती है, वैसा हुआ था। मतलब सब रिलेशंस में इश्यूज आ गए थे, पूरा लाइफ चेंज हो गया, 360 डिग्री टर्न हो गया। तो आप स्पाइन को क्या मानती हैं? आप स्पाइन को एक पिलर सपोर्ट, और आप कह रही हैं कि सब कुछ रिलेशनशिप में खत्म हो गया, तो कहाँ पर फियर आया कि मैं गिर जाऊंगी, अगर मैं गिर गई तो क्या होगा? तो पेन कहाँ पर आया? स्पाइन में, पैरों में। तो उसके लिए हम उस इशू पे जाएंगे जब जब से शुरू हुआ था, और आपका उस समय मेंटल क्या चल रहा था, क्या फियर था आपके अंदर, हम वहां पर जाएंगे जहां पर आप बिल्कुल स्वस्थ थी, और फिर वो एनर्जी को हम आपके पास लाएंगे, और जो भी आपके इश्यूज हैं, ठीक है, उनको पुल, कैंसिल, सेंड टू गॉड लाइट, उनको बॉडी में से रिमूव करेंगे और उनकी जगह रिप्लेस करेंगे कि बिना दर्द के, बिना कोई भी बात को सोचे हुए, दूसरों पे डिपेंड रहे बिना मैं अपनी लाइफ को कैसे स्मूथली जी सकती हूँ, मैं बॉडी पे बिना पेन दिए हुए मैं कैसे स्वस्थ रह सकती हूँ। फिर हम आपको डाउनलोड देंगे, पहले क्लियर करेंगे उस दर्द को, निकालेंगे वहां। बबीता जी मुझे एक और बात बतानी थी, वो टाइम पे जब वो चीज नहीं बन जाएगी, वो टाइम पे जब मैं ये बीमार हुई थी, मतलब टांगों में दर्द आया था और वीकनेस हो गया था, तो वो टाइम पे उससे पहले मैं क्लोथ डिजाइनिंग कर रही थी और क्रिएटिविटी इतनी थी, बट उसके बाद मेरा पूरा काम बंद हो गया, क्रिएटिविटी चली गई, मतलब टोटल ब्लॉक हो गया, हर पार्ट ब्लॉक हो गया, एवरीवेयर ब्लॉकेजेस आए, क्योंकि आपके मन में फियर आता चला गया और आपकी चीजें खत्म होती चली गई। आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और लेटर चाहेंगे तो आप पहले से भी अच्छी हो जाए। थैंक यू मनीषा, रहिएगा कॉल के एंड तक, बहुत स्पेशल सरप्राइज है, जल्दी पता चल जाएगा। सवाल आ रहे हैं ग्रुप में। बबीता जी, भारती जो पहले बोल रही थी, पूछ रही थी कि हमारी जो मेमोरीज हैं वो सेल्यूलर लेवल पर अक्रॉस जेनरेशंस वो बैठ जाती हैं, तो आई थिंक भारती आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि ये अगर इतने सालों से, अरसों से, सदियों से, जेनरेशंस से होते 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 आपके अंदर इतनी गहराई पे, सेल्यूलर लेवल पे बैठा हुआ है, तो ये ठीक होता है क्या? बिल्कुल, जो चीजें हमारी हिस्ट्री से आई हैं, जेनेटिक आई हैं, सोल आई हैं, कोर से आई हैं, कुछ चीजें हमारी कोर से हैं, कुछ सोल से हैं, कुछ हिस्ट्री से आई हैं, कुछ जेनेटिक हैं, वो सब चीजों से जाकर हम रिमूव भी करते हैं, रिप्लेस भी करते हैं, क्रिएटर की लाइट में भेजते हैं। अब मेरे पास कई प्रॉब्लम आती है कि कोई ड्रिंक करता है तो हम उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पापा करते थे, दादा करते थे, नाना करते थे, कहाँ से आया ये ड्रिंक करने का, ये शुगर कहाँ से आया? तो जहां से आया है वहीं से कट लगाते हैं और फिर काम करते हैं। इनफैक्ट मालिनी है यहाँ पे, उन्होंने अभी ग्रुप में भी लिखा है, मालिनी रुस्तागी को इनवाइट कर रहे हैं। मालिनी ने बबीता जी के साथ काम किया हुआ है और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाह रही हैं। मालिनी, आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है, आप प्लीज वीडियो पे आ जाएं। मैं वीडियो पर हूँ और मैं बबीता जी के लिए जो बोलना चाहती हूँ वो ये है कि वो खुद एक गागर में सागर के समान है। गागर में सागर का मतलब है कि वो देखने में एक साधारण महिला है, लेकिन
उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो असाधारण है। किसी इंसान को सिर्फ उसका उसके नाम से और उसकी डेट ऑफ बर्थ से उसके बारे में इतनी डीप बातें बताना जो कि किसी को भी ना पता हो, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। और मैंने उनके साथ कई मोडेलिटीज में काम किया है, वो मेरी गुरु भी हैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। एक दिन मुझे बहुत तेज पीठ में दर्द था और मैं सब कुछ करके देख चुकी थी, मैं खुद एक हीलर हूँ और मैंने अपनी हीलिंग की, उसके बाद बाम भी लगाया, सब कुछ किया, नहीं मुझे फर्क पड़ा। तो मैंने इनको फोन किया, बबीता जी को, और उस वक्त मेरी बिल्कुल रोने वाली हालत हो रही थी कि बबीता जी प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। मात्र आधे घंटे के सेशन में उन्होंने वो पेन रिलीज कर दिया और उसके बाद वो पलट के भी नहीं आया। इन्होंने 5 सेशन बोला है, मैं आपको सिर्फ 1 सेशन की बात बता रही हूँ। आधे घंटे में। थैंक यू मालिनी। एंड शी वॉज एबल टू कैच द रूट ऑफ इट, शी वर्कड ऑन इट, शी रिलीज माई बिलीव, मतलब उन्होंने उसके रूट कॉज को पकड़ा, उसके अंदर मेरे जो बिलीव थे जिसकी वजह से मैंने वो पेन अपनी बॉडी में क्रिएट किया था, वो पेन उन्होंने रिलीज करवाया और मुझे इतनी जल्दी आराम पड़ा कि मैंने रात के समय ये हीलिंग उनसे ली थी और उसके बाद मैं पूरी रात आराम से जैसे छोटा बच्चा सोता है वैसे मैं सोई थी। सो दैट इज वॉट शी इज। एंड व्हेन इट कम्स टू हर रीडिंग, थीटा हीलिंग में जो 2 चीजें होती हैं वो होती है, एक होती है हीलिंग और एक होती है रीडिंग। बबीता जी की रीडिंग का कोई तोड़ नहीं है, ये मैं आपको इस मंच पे सबके सामने, जो शायद हमारे साथ 100 लोग जुड़े हैं, मैं 100 लोगों के सामने ये बोल रही हूँ, जितनी अच्छी रीडिंग बबीता जी की है उतनी अच्छी रीडिंग मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। थैंक यू। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की ऐसी अच्छी दोस्त, अच्छी मार्गदर्शक मेरी जिंदगी में आई और मैं मुझे उनसे जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच बबीता जी एंड थैंक यू सो मच मिस्टिक लोटस। थैंक यू मालिनी। मैं मालिनी के साथ यहाँ पे पूरी सहमति रखती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। बबीता जी मुझे नहीं जानती थी, मैं उनको नहीं जानती थी। पहली बार जब मेरी बात हुई थी आपके साथ बबीता जी, मैंने कहा था ठीक है आप एक एक रीडिंग कर दीजिए आप मेरे लिए भी, और आपने बस इतना बोला था कुछ भी एक चीज बता दो कि जो आपको बॉदर कर रही है। मैंने बोला और फिर बबीता जी ने फट 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 करके सब सामने रख दिया। मैंने कहा हाय मैं तो मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है क्या कि बबीता जी ने ऐसे सब कुछ एकदम सही जगह पे पकड़ लिया। बबीता जी मैं चाहूंगी कि ये एक्सपीरियंस जो है, जो मेरा था पहली बार आपके साथ, आपको बिना जाने कुछ नहीं जानते हुए, और मालिनी देखिए अभी भी हंस रही हैं, अभी भी इतना बड़ा स्माइल है उनके चेहरे पे। मैं चाहूंगी कि सवाल आते रहेंगे वो हम आपको पूछते रहेंगे कि अगर ये चीज जो मालिनी ने एक्सपीरियंस की है, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो हजारों ने की है, आज कॉल पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, लोगों को पता चले कि आप क्या हैं। बिल्कुल जी, कुछ लोगों ने अपना कुछ लिखा है, मुझे ये है मुझे वो है, मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ उनको ले आऊं। आप ले आइए। ओके, अरुणा बहुत सारे जो शुरुआत में उनके सवाल थे थीटा को लेकर, उन्होंने एक्चुअली कुछ लिखा है। अरुणा मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है बबीता जी को, वो ही आपको पूछेंगी उनको क्या पूछना है। अरुणा मैंने आपको रिक्वेस्ट, यहाँ पे 2 अरुणा है, आई होप मैं सही वाले अरुणा खंडल को मैंने रिक्वेस्ट भेजा है टू अनम्यूट करने के लिए। अरुणा हाँ जी, हो गया शायद अनम्यूट जी, अब आ जाइए। हाँ जी, जिन्होंने सवाल किया था शुरुआत में। हाँ जी, स्वागत है आपका। अरुणा आप वीडियो पे आ सकती हैं? यस प्लीज। और ये रिक्वेस्ट सबके लिए है, जो भी आए प्लीज वीडियो पे आए, बिकॉज क्योंकि बबीता जी आपकी शक्ल देखना चाहेंगे। हाय अरुणा, बबीता जी प्लीज गो अहेड। हाय, नमस्कार बबीता जी। नमस्कार। नमस्कार। आप
आप बताइए कि आप क्या पूछना चाहती हैं मुझसे। अभी पिछले कुछ समय से ना बबीता जी पता नहीं क्या हो गया, मेरी राइट, ये राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है ना, ये वाली हिस्से में, इसमें एक अजीब सा सूनापन सा आ गया, जैसे समझ नहीं आ रहा कि क्या दर्द है। कोई चीज उठाने में करने में एक तो तकलीफ सी होने लगी, और इसी तरह का राइट थाई में भी हो रखा है। तो वैसे तो मैं रेकी वगैरह करती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ पा रहा, मैं हील नहीं कर पा रही अपने का आपको, या क्या रीजन हो गया मैं नहीं समझ पा रही, और बहुत अजीब सी तकलीफ है। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपकी स्पाइन में मतलब कुछ नर्व्स दब गई हैं। ये आपको कब से हुआ है? मैं पिछले अभी 2 या 3 महीने से हुआ है। क्या मुझे इजाजत है आपकी स्कैनिंग करने की? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज की इजाजत है मैम। आपका क्या नाम है? अरुणा खांडल। कहाँ से आप? वैसे तो मैं राजस्थान से, अभी मैं गुड़गांव में रह रही हूँ। ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल। जब से ये हुआ तब आपको सबसे पहले क्या हुआ था? मैम कुछ नहीं, मतलब ऐसा फील होने लगा कि मेरी ये अंगुली काम नहीं कर रही है, सुन मतलब एकदम नमनेस बहुत ज्यादा फील होने लगी मिडिल फिंगर में, और उसी थाई पैर, पैर की थाई। हाँ, राइट थाई में भी। मैं आपसे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या आप जो चाहती हैं क्या आप वो कर पा रही हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं कर पाती, सोचती बहुत कुछ हूँ, हो कुछ भी नहीं पाता। आपके हार्ट में मुझे बहुत पेन दिख रहा है। जरूर होगा। और सबसे ज्यादा मुझे दिख रहा है आपके गले में, जैसे कि आप बहुत कुछ कहना चाहती हैं, कह नहीं पाती हैं अपनी बात, उसकी वजह से आपका नर्वस सिस्टम, थायराइड है मैम। हाँ, उसकी वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है ना वो हिल गया है। हमारे बॉडी के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत, जब हम क्रिएटर से अलग होते हैं, भगवान से अलग होते हैं, ये तो हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें पैदा किया है, एक भगवान है जिनसे हम अलग हुए हैं, तो वो 3 मॉलिक्यूल्स हमारे तब से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो जो आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो, जैसे कहते हैं ना हमारे ये चक्रास हैं, ये बैलेंस में रहने चाहिए, रैकी में बोलते हैं ना, है ना, तो ऐसे ही थीटा में हम 3 मॉलिक्यूल्स को बैलेंस करते हैं। तो जो भी चीजें आप नहीं कर पा रही हैं, अगर वो आप करना शुरू कर देंगी ना, जिन चीजों से आप रुक रही हैं, आप बाहर नहीं जा पा रही हैं, आप अपने अंदर वीकनेस बहुत महसूस कर रही हैं, बहुत ज्यादा अपनों से अलगाव महसूस कर रही हैं, तो जो वो आपके हार्ट में मुझे बहुत ज्यादा मैं क्या बताऊं, ब्लैकनेस दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से जो एक प्रेम की कमी समझ लीजिए आप। अच्छा, लैक ऑफ लव। लैक ऑफ लव की वजह से आपके ये जो धीरे धीरे आपका ये नर्वस सिस्टम वीक हो रहा है ना, उसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। तो और आपकी एड़ियों में भी बहुत दर्द है, आपकी एड़ी में ही दर्द करती है, होता है, जाता है, आता रहता है, हो जाता है, फिर चला जाता है बस। हाँ, तो आप एक काम करिए, अर्थ के ऊपर पैर रख के बैठिए
और पूरी एनर्जी अर्थ से लाइए, ऊपर तक लेके जाइए, नीचे तक लाइए, ऊपर से आ रही है नीचे तक जा रही है, और अपना करती हूं मैं, और अपना थाइमस ग्लैंड रन करिए, जो सीधे हाथ पे होता है ना, यहाँ पे हाथ रखिए, थाइमस रन, थाइमस रन, थाइमस रन, तो उससे जो आपके अंदर बॉडी में एनर्जी है वो आनी शुरू हो जाएगी। थाइमस रन, हाँ थाइमस रन, उससे ही आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और मुझे जरूरी फीडबैक दीजिएगा। और ये मैम किस समय करना है, कोई टाइम फिक्स है? कभी भी, जब सोते हुए भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक एनर्जी प्रोवाइड होगी, जो वीकनेस आ गई है ना आपके हार्ट में, माइंड में, नर्वस सिस्टम में, वो सब। हाँ मैम, बिल्कुल सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता बिस्तर से उठने का। दो रात करिए, मतलब ये दो रात करिए, थाइमस रन, थाइमस रन, सीधे हाथ के, यहाँ हमारा छोटा हार्ट होता है जिससे हमारी एनर्जी प्रोवाइड होती है, आप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। सही है ये, यहाँ पे ये ना, ये कितनी देर तक करेंगे मैम इसको? करिए, जब भी आप करते हैं करिए, रात को सोते हुए करते करते सो जाइए, आपको इससे नींद भी अच्छी आएगी और आराम भी मिलेगा। क्या मुझे इजाजत है, मैं आपसे कट लगाऊं? आप भी लगा दीजिए। थैंक यू। और अपनी एड़ियों का ध्यान रखिए, एड़ियों पे रोज मसाज कीजिए, खास तौर से बाई एड़ी पे, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये एक छोटा सा ग्लिम्स है, बस एक छोटा सा जो काम बबीता जी आप करती हैं सबके साथ। अरुणा से आज पहली बार आप बात कर रही हैं, एंड एक जो आपने बहुत अरुणा को के लिए बोला, जो स्कैनिंग करके, इस चीज को लेकर मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, एंड आपको पूछूं बबीता जी, जब आप देखते हैं कि मुझे यहाँ ब्लैकनेस दिख रहा है या वहां दिख रहा है या ये, इस जो ब्लैकनेस है जो आप यूज करती हैं एज अ वर्ड, इसका कोई जड़, इसका कोई रूट कॉज है, कोई जड़ है कि ये बेसिकली एक लैक ऑफ सेल्फ लव से, सेल्फ लव की कमी से बस बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि हम में से कोई तैयार नहीं होता ये मानने के लिए कि ऑफ कोर्स मैं तो अपने से प्यार करती हूँ, मैं कहाँ नहीं करती हूँ, यू नो। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी कोई क्लाइंट आता है वो बातों को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब जैसे मैंने इनको देखा तो इनका हार्ट जो था, जिस तरह से एक बॉडी के अंदर हम जब स्कैनिंग करते हैं तो इनका हार्ट बिल्कुल बहुत हल्के चल रहा है, जो भी हमें दिखाई देता है और जो भी इंट्यूशन क्रिएटर बताते हैं वो मैं बताती हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप नीलेश मोदी को लाएं, उनसे बात करें, वो बताएंगे हमने कोरोना में क्या क्या काम किया। Absolutely. अभी मैं बस निलेश को रिक्वेस्ट भेजती हूँ, फटाफट से कुछ क्वेश्चंस आई हैं बबीता जी, हाँ, पूछ रही हैं कि विजय लक्ष्मी पूछ रही हैं कि क्या रिलेशनशिप भी बेटर हो सकती है मेरे और मेरे दिल, डॉटर इन लॉ, विजय लक्ष्मी आप डॉटर इन लॉ के पूछ रही हैं कि दिल पूछ रही हैं, जो भी है, क्या रिलेशनशिप इश्यूज यहाँ पे रिजोल्व हो सकती है बबीता जी? बिल्कुल हो सकती है। एक नाम नहीं दिख रहा है मुझे, बोल रहे हैं कि इनकी डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, बहुत सालों से पांव में नमनेस है, बैक प्रॉब्लम है, L4, L5, C1 में फाइनेंशियल इश्यूज हैं, क्या ये भी थीटा स्वॉप से बाकी सब मोडालिटीज की कॉम्बिनेशन के साथ जो आप करती हैं ये भी हील हो सकता है? बिल्कुल। मैं बताती हूँ, मैं अपने बारे में कुछ बताऊं? जी प्लीज। है तो मेरी पर्सनल बात, लेकिन फिर भी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आज से 4 साल पहले मेरे हस्बैंड को अचानक पता चला कि कैंसर हो गया।
और मैंने नहीं जानती मुझे, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, खुश हैं। बस वो लिक्विड डाइट लेते हैं क्योंकि उनका टंग का था। चीजें वर्क करती हैं और अच्छे से वर्क करती हैं। मैंने 2 साल बिल्कुल हीलिंग या कोई काम नहीं किया, सिर्फ अपने हस्बैंड पे काम किया। और मेरे पास अब बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको पेन में भी काफी रिलीफ मिला है। क्योंकि काम जब हम करते हैं तो हम उसके रूट पे जाते हैं, उसको क्या रिजर्वमेंट है, रिग्रेट है, रिजेक्शन है, किस चीज से वो परेशान है, क्या चाहता है वो अपनी लाइफ में, क्या बन नहीं पाया वो। जिस दिन मैंने अपने हस्बैंड का पहली बार थीटा किया और पूछा कि आप क्या बनना चाहते थे, आपने ये काम क्यों चुना, तो वो बहुत देर तक रोते रहे। रोने से क्या हुआ, उनकी रिलीजिंग हो गई और डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना कर दिया था कि ये बंदा कभी नहीं बोल पाएगा। लेकिन टचवुड वो शॉप पे भी जाते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं, सब काम करते हैं। बस डाइट उनकी लिक्विड है क्योंकि वो यहाँ पे भी पहुंच गया था एकदम। और उसका मुझे अचानक कैसे पता चला, हम दोनों लंच कर रहे डिनर कर रहे थे, तो मुझे ऐसा सामने इनकी स्नैप्स रखी थी, तो मैंने इनको बोला आपको मुझे यहाँ पे ब्लैक एनर्जी फील हो रही है, तुम तो पागल हो। मैंने कहा नहीं, कल आप डॉक्टर की जाओगी। और अगले दिन ही इनका सजे ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने। थैंक यू बबीता जी। आपको तो पता ही है जेंट्स मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, और वो भी आप इस चीज में कहो, लेकिन टचवुड वो सब कुछ अच्छा होता चला गया। इनके 3 ऑपरेशन हुए, बहुत बड़े बड़े 12-12 घंटे के, लेकिन इन्होंने भी बहुत अपने अंदर पावर रखी कि मुझे ठीक होना है। और ये मैंने एक डेट डिसाइड की थी, नीलू जी ईश्वर जानता है, इनका 15 मई को ऑपरेशन हुआ था, और मैंने बोला था आप 7 सितंबर को शॉप पे चले जाओगे, और ये 7 सितंबर को चले गए थे। चाहे 15 मिनट और 1 घंटे को गए, लेकिन ये गए। तो मैजिक होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। सामने वाला भी अगर आपके साथ पूरा हेल्पफुल है और क्रिएटर भी आपको चाहता है, तो मिरेकल होते हैं। थैंक यू बबीता जी। एक अपने खुद की लाइफ की बहुत पर्सनल कहानी आपने हमारे साथ आज शेयर की है, और इसी के साथ ये भी बताया है जो आप बोलती आ रही हैं अभी तक कि इच्छा अंदर से होनी चाहिए और काम होता है, लगन चाहिए, अंदर से इच्छा चाहिए। एंड नीलेश यहाँ पे है, कुछ और सवाल आए हैं हम थोड़ी देर में लेते हैं। भारती आपका भी मैंने देखा है, हम आपको भी ले आएंगे अभी। नीलेश आपको रिक्वेस्ट भेजा है, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए एंड वीडियो पे आ जाइए। हेलो, नमस्ते एवरीवन, सुनाई दे रहा है? हाँ जी सुनाई दे रहा है। हाय नीलेश, नमस्ते, प्लीज। बबीता जी के बारे में बोलना। जब मैं बबीता जी के बारे में सोचता हूँ तो एक्चुअली ऐसा दिमाग में ऐसा आता है कि एक बहुत बड़ा सूरज है, है ना? देखो वो मेरे माइंड में कहीं पे ये एनालॉजी फिट हुई हुई है उनके बारे में, क्योंकि 2 या 3 चीजें हैं। एक सूरज यानी सन की जो एक वास्टनेस होती है ना, कि वो हमारे इमेजिनेशन के बाहर रहता है। तो बबीता जी के साथ बात करते हैं जब उनसे जैसे हीलिंग करवा रहे हैं या तो कोई भी चीज है, उनका नॉलेज जो है इतना वास्ट है, यानी ऑलमोस्ट ऐसा है कि कोई भी टॉपिक या तो कोई भी मॉडलिटी की बात कर लो वो उनको पता होगी, ना कि पता होगी उन्होंने बहुत पहले की होगी। तो ये एक बहुत बड़ा उनका बोले ना पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट शी हैज, इट्स रियली ह्यूज।
दूसरा जो है उनकी वो शार्पनेस या तो इंट्यूटिव जो फोकस जो है उसके कारण जो रिजल्ट आते हैं, जैसे बाकी लोगों ने भी बताया है ना, वो रीडिंग जो है इतना एक्यूरेट रहता है, यानी आई मैंने और किसी के साथ भी काम किया होगा पर वो मैंने देखा है कि जब बबीता जी के साथ काम करते हैं तो वो इतना बारीकी से वो चीज को बाहर लाती है, जो छोटा सा मान लो एक छोटा सा कोई हिस्सा कोई किस्सा हुआ है अपने साथ बचपन में, वो चीज भी अच्छी तरह से वो ऐसे पकड़ के लाती है तो सरफेस पे आता है तो उसको हील करने का मौका मिलता है ना, और जब ऐसा हीलिंग होता है तो वो इश्यू जो है उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो ये दूसरा एक बड़ा पॉइंट है कि उनकी इंट्यूटिव जो एबिलिटी जो है वो इतनी शार्प है, यानी अगेन वो सूरज की तरह है, सूरज का किरण जो होता है वो कितना शार्प होता है ना, वो जहाँ पे जाता है उसको प्रकाश प्रकाशित कर लेता है ऐसे टाइप का। और तीसरा जो है उनका नेचर, यानी आप अभी बात करके भी बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा और जैसे उनको और जानते हैं, इतना फ्रेंडली और काइंड नेचर है, यानी कभी कभी मुझे कोई इश्यू, हमने कोरोना के टाइम पे मैंने उनसे काफ़ी हीलिंग करवाई थी और मुझे पता है कि कुछ कुछ चीज़ों के लिए मुझे उनको ऑड आवर्स में भी बात करनी पड़ी थी, कॉन्टैक्ट करना पड़ा था, तो भी वो उस चीज़ के लिए रेडी थे, यानी ये अगेन यू नो वो काइंडनेस वाला फैक्टर आता है जहाँ पे अगेन सूरज जो है वो सबको देता है, यानी बबीता जी भी देते हैं है ना, तो वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं जब काम कर रहा था, मैं अपना बताता हूँ, मैं अपने आंखों के नंबर के ऊपर काम कर रहा था, अभी ऐसे माने तो बॉडी के सब ऑर्गन्स में आइज जो है उसका काफ़ी यानी वो उसके सोल के साथ डायरेक्टली रिलेशन रहता है और उसमें बहुत सारे लेयर, जब नंबर आते हैं या तो अपने को देखने में तकलीफ होती है तो उसमें बहुत सारे इमोशंस उसके नीचे आ जाते, उसके ऊपर आ जाते, तो वो आइज के यू नो विजन में डिटेरेशन होता है। अभी ये चीज के लिए जो काम करना था वो अगेन यू नो आईज आर वेरी सेंसिटिव फॉर अस, तो बबीता जी के साथ जब काम कर रहा था उन्होंने जब जो जो चीजें सरफेस पे लाके उनको हील किया, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग, यानी मेरे लिए वो बहुत बड़ा, वो ऐसे बोले ना कि हर एक सेशन के बाद ऐसे जैसे मेरा वो मशीन रिस्टार्ट होता है ना, ऐसा पूरा बॉडी और माइंड और सोल रिस्टार्ट हो रहा है ऐसा लग रहा था। रीबूट हो रहे थे आप। या अमेजिंग। तो आई मीन एज आई सेड यू नो हार्ड टू डिस्क्राइब, तो इतने वर्ड्स में अभी ट्राई किया है। मैं समझ सकती हूँ, बट मेरा एक सवाल है आपसे निलेश, पीछे जो आई चार्ट है ये क्या बबीता जी ने रेकमेंड किया था? हाँ एक्चुअली वो उस टाइम दीवार पे, हाँ एक्चुअली यहाँ पे पीछे दिख रहा है ना, हाँ तो वो उस टाइम पे हमने उसके ऊपर वर्क करना चालू किया था और उनके साथ रह के बहुत सारी चीजें हमने हील की थी इसके ऊपर, तो हाँ उनके साथ ही वो वर्क कर रहे थे उस टाइम पे। मैंने सोचा कि चलो अभी बार बार कहाँ ऑप्टिशियन के पास या तो ये आई डॉक्टर के पास जाके उसको चेक कराए, घर में ही रख लेते हैं, देखते हैं कितना कितना फर्क आ रहा है। और कितना फर्क आया इवेंचुअली? देखो मैं ऐसा बोलूंगा 40% जितना फर्क आया था आई पावर में। ये कोई कम परसेंटेज नहीं है आई पावर के लिए? यानी आंखों के लिए वो टाइम बहुत बड़ा है, ये आंखों के लिए वो टाइम लगता है पर वो जस्ट विथ हीलिंग तो वो लेवल पे काम हुआ था। वेरी नाइस बबीता जी, आप निलेश को कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू निलेश, बहुत बढ़िया उन्होंने शेयर किया। एक्चुअली बिकॉज बबीता जी आईज 40% इम्प्रूवमेंट होना सिर्फ हीलिंग के साथ, तो इनके साथ भी आपने थीटा स्वॉप किया था और बाकी मोडालिटीज मिक्स की थी? इनके साथ तो सिर्फ थीटा ही किया था। सिर्फ थीटा ही किया था, ओके ओके। एक और है शैली गुलाटी, नहीं वो कॉल पे नहीं है, जो उनका नाम नहीं दिख रहा है। बबीता जी सबकी बातें सुनकर बहुत सारे लोग ग्रुप में लिख रहे हैं कि उनको ये है, ये समस्या ये है। मैं भारती को ढूंढ रही हूँ, अगर वो है। भारती, मैंने आपने जो ग्रुप में लिखा है मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, आप डायरेक्टली बबीता जी से इंटरेक्ट करेंगी, आपको रिक्वेस्ट भेजा है, एंड प्लीज वीडियो पे आइएगा।
हाय हाय भारती हाय आई एम अंडरगोइंग सॉरी हिंदी में बात करती हूँ. मेरा बीपी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है एंड मेरी बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज उससे रिलेटेड हो रहे हैं. एमआरआईज ब्रेन हार्ट के सारे चेकअप्स हो रहे हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं आ रहा. आई एम अ हीलर आई एम अ रेकी मास्टर बट ये इश्यू मेरा पिछले साल जनवरी से शुरू हुआ था और अभी तक कंट्रोल में नहीं है. मेडिकेशंस हीलिंग एवरीथिंग कॉम्बिनेशन में नहीं हो रहा. तो आप इसके लिए अपने लिए क्या कर रही हैं? मैं अपने पे रेकी कर रही हूँ. I am doing some other, I mean, obviously allopathic medicines, doctors want me to continue for the heart, etc. So, baki lekin abhi recent checkups and all, sare reading sari galat aa rahi hain. Okay. So, aapka BP kab se high hua, jo aapke kaabu mein nahi aaya? 2020 se. Kaun sa mahina? January. 2020. आप कहाँ गए थे? कहीं बाहर गए थे? मैं पुणे में थी उस टाइम. अपने पुणे वाले मकान में थी. मैं वैसे अभी तो दिल्ली में हूँ बट उस टाइम मैं पुणे में रह रही थी अपने मकान में. उससे पहले सितंबर 2019 में मेरा एंकल राइट एंकल टूट गया था. तो मैं उसी टाइम पुणे में थी तो वहीं पे थी मैं अभी. और मैं दिल्ली वापस आई हूँ अगस्त 2020 में. और आपको जनवरी से प्रॉब्लम शुरू हो गया था? साल हाँ 2020 से. ऐसा क्या हुआ था आपके साथ कि जो आपका बीपी इतना हाई हो गया? उस टाइम मेरा मन एक्चुअली वापस मेरा दिल्ली आने का था. दिल्ली मेरा होम टाउन है पुणे में लेकिन मकान है मेरी सिस्टर उधर है तो मैं जाती रहती हूँ उधर अपने मकान पे. लेकिन कहते हैं ना दिल मेरा दिल्ली में रहता है तो दिल्ली आने का मन था और उस टाइम आ नहीं सकती थी क्योंकि मेरा अभी तक एंकल ठीक नहीं हुआ था तो ट्रैवल नहीं कर सकती थी उस टाइम. तो वो एक स्ट्रेस लेवल था कि मैं उस टाइम वापस नहीं जा सकती थी. पर उसके बाद दिल्ली आने के बाद भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई. इनफैक्ट वर्स हो गई. क्या मुझे इजाजत है कि मैं देख सकूं स्कैनिंग कर लूं आपकी? थैंक यू सो मच. आपका नाम? भारती मनचंदा. क्या हम आपका स्पेस क्लियर करें? हाँ जी. क्रिएटर आपका स्पेस क्लियर करके देखें. थैंक यू सो मच. क्या आपको खाना डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है? डाइजेस्ट करने में नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सेंसिटिव है स्टमक इस टाइम.
मुझे आपकी दो चीजों में ज्यादा लग रहा है, एक तो आपके लीवर में लग रहा है और एक मुझे आपके नाभि चक्र के नीचे उसको स्वादिष्टान चक्र में भी एनर्जी नहीं जा रही आपके। और मैं एक चीज आपसे पूछ सकती हूँ, प्लीज सबके सामने पूछ सकती हूँ? पूछिए पूछिए। क्या आपको किस चीज का ऐसा गिल्ट, हाँ आपको कैसा ऐसा क्या गिल्ट हेलो है आप? हाँ कोई स्पेसिफिक गिल्ट आपकी आवाज कट रही है। आपके को कोई बचपन से लेके अब तक कोई ऐसा इशू है जिस जो आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया, या आप किसी को बताना नहीं चाहती, या आपको वो चीज पसंद नहीं थी जो आपके साथ हुई? और कई yes. बार हाँ तो वो गिल्ट जो है वो आपका गिल्ट है ना उसको रिमूव करिए, उसको क्रिएटर की लाइट में भेजिए। और जैसे जैसे आप फॉरगिव करते रहेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ कुछ भी अच्छा गलत किया, उनको सबको फॉरगिव करिए, अपने को फॉरगिव करिए और अपने आप से प्यार करिए। ओके ओके रिलीज करना है बिल्कुल। ओके धरती धरती के अंदर हाथ ऐसे नीचे लटकाइए और ऊपर से जाइए और देखिए कि व्हाइट लाइट आ रही है और पूरे एक एक नस नाड़ियों में आपके एक एक इमोशंस जो आपको नहीं चाहिए सब धरती में जा रहे हैं। मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ अभी, आपके निकल रहे हैं हाथों से निकल रहे हैं मेरे जितने भी आपने इमोशंस इकट्ठे कर रखे हैं। आपकी सोल बहुत अच्छी है लेकिन सोल के अंदर होल बहुत है। तो जो जब सोल के अंदर इतने होल है तो शरीर के अंदर कितना दुख है, आप इसको रिलीज करिए प्लीज। फॉरगिव कर दीजिए सबको, फॉरगिव करिए सबसे, सबसे फॉरगिव मांगिए और अपने आप को लव दीजिए और जितना भी गिल्ट है उसको निकाल दीजिए। आई एम ए पावरफुल, आई एम ए लव माई सेल्फ, ओनली आई लव माई सेल्फ, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। अपने आप को डाउनलोड दीजिए और जब भी कोई आपके अंदर ऐसा नेगेटिव थॉट्स आए, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, मुझे नहीं चाहिए, यू विल मेक गो नाउ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हीलिंग करना और डाउनलोड लेना बहुत फर्क है। हीलिंग आप अपनी करते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जब मैं आपके डाउनलोड दे रही हूँ तो वो आपके कोर जेनेटिक हिस्ट्री में जा रहे हैं। अगर मैं आपको 5 मिनट भी हील करूं तो आप अभी रोना शुरू कर देंगे क्योंकि आपको रिलीजिंग करने के लिए कोई बंदा चाहिए जो मेरी सारी चीजें फुल कैंसिल सेंड टू गॉड लाइट में कर दे और मैं आराम से जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मस्त रहना चाहती हूँ। और मन में डाउनलोड कर लीजिए, मैं तो खुश रहने के लिए पैदा हुई हूँ, जितनी भी बीमारियां तुम जाओ मैं मजे कर रही हूँ, बस मैं आपको डाउनलोड दीजिए। और जितना फॉरगिवनेस करती जाएंगी आपकी सोल के होल खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। आपको ठीक लगा? मेरे को पूछना नहीं है लेकिन मुझे पता है। थैंक यू। थैंक यू भारती। और बबीता जी, जैसे आपने अभी बोला कि आपको अच्छा लगा है, मुझे दिख रहा है। भारती आप अग्री करेंगी इसके साथ या नहीं, ग्रुप पे प्लीज डालिएगा। एक क्या शब्द ढूंढ रही हूँ मैं बबीता जी, आप ही फिल इन कर दीजिए। एक उनके आई थिंक शक्ल पे एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि कुछ
हो रहा है या कुछ निकल रहा है या एक अंडरस्टैंडिंग आई है, क्योंकि मैं आप दोनों की इंटरेक्शन देख रही थी और मुझे कुछ हो रहा था. आप लोग आप उनसे बात कर रही थी, आप उनसे कनेक्ट कर रही थी और कहीं ना कहीं अंदर मैं इस चीज को लेकर मैं भी सोच रही थी, मुझे खुद की रिएक्शंस हो रही थी, अंदर फीलिंग्स आ रही थी. तो भारती आई होप आपको अच्छा लगा एंड वेट कीजिएगा कॉल के एंड तक, एक बहुत बहुत स्पेशल सरप्राइज है सबके लिए. बबीता जी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. सतिंदर पार्क पूछ रहे हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं क्या वो हील हो जाएंगी, आपने हाँ बोला हुआ है. एक्सक्यूज मी. और आशा ने लिखा है आपके लिए, आपने जो अपनी कहानी आपने जो आपके हस्बैंड की कहानी हमें हमारे साथ शेयर की, उन्होंने लिखा है आपके लिए कि बबीता जी बहुत इंग्लिश में लिखा है कि बहुत अच्छा लगा एंड आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स. एक और पूछ रहे हैं, दीप पूछ रहे हैं कि बबीता जी क्या मेरे और मेरे भाई का रिलेशन बेटर हो सकता है, हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो ये सब आ जाती है ना जी. सिमी पूछ रही है, सिमन पूछ रही है, हेलो मैम मेरी आईज में कुछ ब्लैक नजर आता है लाइक जैसे बॉडी सेल बॉडी टाइप शेप वगैरह, तो ये क्यों होता है? क्या आप दोबारा बोलिए? मैं उनका एग्जैक्ट मैसेज रीड आउट करती हूँ. हेलो मैम मेरी आईज में कुछ ब्लैक नजर आता है लाइक सेल ऑफ बॉडी टाइप शेप्स, ऐसा क्यों? एक्सक्यूज मी. बबीता जी can the team just help Babita? Is it अभी आप हैं जी. जी तो वो उनकी आंखों में क्या होता है कुछ तो दिख रहा है. मैं आई मीन इन्हें ले आते हैं एक बार. हेलो 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 मैम, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के. मैम मुझे ना पता नहीं आईज में ना जैसे बचपन में हम पढ़ते नहीं माइक्रोस्कोप से सेल नजर आता है, कुछ ऐसी शेप्स बनी होती हैं, बीच में छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, समथिंग लाइक जैसे वेब, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों नजर आता है, 3-4 महीने से ना ये मेरी आईज में आना शुरू हो गया. आई डोंट नो व्हाट इट्स. तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? मेरा नंबर है, मैं लगाती हूँ, स्पेक्स तो क्लियर हो जाता है, बट विदाउट स्पेक्ट्स मतलब कभी कभी मैं मेडिटेशन करती हूँ तो नजर आना शुरू हो जाता है, उसके बाद आई डोंट नो ऑफनली मतलब शुरू हो जाता है नजर आना. डॉक्टर के पास नहीं मैं गई अभी तक. एक्चुअली आई यूज माई आई ड्रॉप्स ऑल्सो बट स्टिल इट सीम्स. तो क्या आप मैं स्कैनिंग करके देख सकती हूँ, आपकी इजाजत है? या श्योर. आप नाम है आपका? सिमी. या आपके साथ क्या क्रिएटर को इजाजत है आपका स्पेस क्लियर करने? या कब से हो रहा है ये? 3-4 months. यानी दिसंबर और नवंबर से. या कहाँ गए थे आप, क्या हुआ था ऐसा? कहीं पे भी नहीं गई मैम जब से कोरोना हुआ है, बाहर तो गए नहीं. आप बाहर नहीं गई, तो क्या आप बाहर जाना पसंद करती हैं?
नहीं इतना नहीं, ठीक है. एक्चुअली आई एम ऑल्सो हीलर, मैं कोर्सेस करती हूँ, बस यही वही क्लास लेने जाती हूँ अपना बस. आप किस चीज में हीलिंग करते हैं? मैं एक्चुअली मैग्निफाइड हीलिंग करती हूँ अपनी. सिखाती भी है? हाँ जी. सिखाती भी है? नहीं मैंने अभी नहीं शुरू किया सिखाना, बट आई विश. जो मुझे दिख रहा है, मुझे एक रास्ता दिख रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा है. Maybe, मैं भी वही ढूंढ रही हूँ. स्पेस और क्रिएटर आपको ना एक रास्ता दिखाना चाह रहे हैं. मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिगार्डिंग? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप अंधेरे में हैं, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप कुछ नहीं है, आपकी मंजिल जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है? या मुझे यही लगता है कि मैं जो चाहती हूँ वो हो नहीं रहा है मेरे साथ. आप क्या आप मुझे इजाजत देंगे क्रिएटर को कि आपके बॉडी के हैवी मेटल्स जितने भी हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है उसको निकाल दें? या आई रियली नीड इट. आंखें बंद करेंगे आपके बॉडी में जितना भी रेडिएशन है वो सब जिसकी आपको जरूरत नहीं है रिटर्न उसको निकाल दें. महसूस कीजिए कि आपके सामने एक बहुत ब्लैक एनर्जी है और आपके आगे, और देखिए धीरे 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 सब क्रिएटर की लाइफ में जाती जा रही है. आपका जो क्राउन है क्राउन के ऊपर से भी जा रही है, आंखों की तरफ से भी जा रही है, पूरी बॉडी के अंदर से निकल के रिलीज हो. महसूस कीजिए कि आपके क्राउन में से बहुत ज्यादा जा रहा है. और आप देखिए कि क्वान एंजन आपके ऊपर थ्री फोल्ड फ्लेम की एनर्जी भेज रही है. आपकी बॉडी के अंदर थ्री फोल्ड फ्लेम की एनर्जी आपके हार्ट पर आ रही है. आप एक काम और करना शुरू कीजिए. Which ma'am? आप एक काम करना शुरू कीजिए. थ्री फोल्ड फ्लेम की एनर्जी आप जितना भी बनाती हैं, वो पूरी एक यूनिवर्स पूरे एक गोल अर्थ को जरूर दीजिए. मैम आवाज नहीं आ रही. जैसे आप अब आ रही है? हाँ जी अब आ रही है. आप थ्री फोल्ड फ्लेम की जितनी भी एनर्जी बना रही हैं, बॉल बनाइए हाथों में और यूनिवर्स को भेजिए. आप जितना यूनिवर्स को भेजती चली जाएंगी आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे.
अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. I just liked कि मुझे रोना आ रहा था अभी. मुझे पता है क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रेडिएशन और हैवी मेटल्स थे वो मैंने रिलीज किए और आप भी करिए 3-4 फ्लेम से करिए. आई एम मैग्निफाइड हीलर. ओके तो आप ये करिए और अर्थ को जरूर दीजिए. एंड मैम मेरा 60 ये मैं बनना चाहती हूँ कि मेरा जैसे बोलते हैं हीलर हीलर्स स्पिरिचुअल हीलर कैन आई बी? हाँ बिल्कुल आप ऐसे दीजिए अर्थ को दीजिए. कितने भी लोगों को चाहिए 3-fold फ्लेम की एनर्जी जा रही है अर्थ में जा रही है. एनिमल्स के पास जितने भी जानवर हैं पेड़ पौधे हैं सबके पास जा रही है. ओके थैंक यू. थैंक यू समी. थैंक यू. और आपको रास्ते मिलते चले जाएंगे. थैंक यू मैम. आई होप आपको अच्छा लग रहा है अभी. या मैम वेरी मच रिलीजिंग जिसको बोलते हैं वो भी है. थैंक यू सिमी. बबीता जी एंड सब जो हैं अभी कॉल पे ये जो एक्सपीरियंसेस लोगों की हो रही हैं बबीता जी सवाल पे सवाल आ रहे हैं. क्या वर्टिगो ठीक हो सकता है? क्या मेरी रिलेशनशिप्स ठीक हो सकती हैं? मुझे डॉक्टर बोल रहे हैं सर्जरी करने के लिए, मैं क्या करूं? सबको आपसे बात करनी है, सबको आपसे एक रीडिंग चाहिए. मैं एक बार सबको रिमाइंड कर दूं, याद दिला दूं कि कॉल पे ये जो है आप एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इतने कुछ चंद मिनटों में अगर बबीता जी इतना सब कुछ देखकर आपको इमीडिएटली इतना बोल रही हैं, आप सोचिए कि अगर आप एक्चुअली इनके साथ एक हीलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे या करेंगे तो ये कहाँ तक जा सकता है? आप कहाँ तक जा सकते हो, कहाँ तक पहुँच सकते हो? और जैसे मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ, जाइएगा मत. एक बहुत स्पेशल ऑफर है सबके लिए, बहुत स्पेशल सरप्राइज है आप सबके लिए, खास बबीता जी से. तो थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, हम कुछ और सवाल भी लेंगे, एक दो लोगों को और भी लेंगे. बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बहुत उत्सुक हैं क्योंकि उन्होंने बबीता जी से के साथ काम किया हुआ है, वो शेयर करना चाह रहे हैं, उनको भी हम लेके आएंगे. उससे पहले बबीता जी आपने बहुत बहुत जेनरसली हमारे लिए कुछ रखा है, हमारे लिसनर्स के लिए कुछ रखा है और सब आपके साथ रीडिंग चाहते हैं, ये चाहते हैं, एडवाइस चाहते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, क्या हम सबको एक बार आपकी बहुत 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 बढ़िया ऑफर्स एंड सरप्राइज के बारे में बता दें, उसके बाद एक दो लोगों को और भी ले लेंगे हम. ठीक है जी. ओके तो मैं अमरीश को रिक्वेस्ट करूंगी, टीम को रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हम सबको बता दें कि क्या है आपके लिए अवेलेबल आज की कॉल के साथ. जैसे हम बात कर रहे हैं बबीता जी, वास्तु, थीटा, मंत्र, स्कैनिंग, न्यूमरोलॉजी, काफी कुछ चीजें यूज करती हैं. आज बबीता जी प्राइमरीली आप ज्यादातर आपने एक स्कैनिंग की है, स्कैनिंग रीडिंग की है और इतने में ही इतना सब कुछ बताया है जो भी आए हैं कॉल पे. तो जो सेशन होगी आपके साथ वो भी क्या ऐसे ही होगी या फिर जैसे आपने शुरुआत में भी कहा था कि जो जिस चीज की जरूरत है जिसको उसी के साथ आगे बढ़ेंगे? हम बात करके देखेंगे, जिसको जैसी जरूरत है उसको वैसे ही करेंगे. तो ये जो है सेशंस आपके साथ बबीता जी के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत उम्दा ऑफर्स हैं. यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं. तीन ऑफर्स है आपके लिए, एक 6 पर्सनल सेशंस का, एक 3 पर्सनल सेशंस का और एक 1 पर्सनल सेशन का. यहाँ पे
सारी चीजें इन कॉम्बिनेशन या जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है वो यूज की जाएगी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो थीटा हो, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो स्कैनिंग हो, चाहे वो वास्तु हो, डिस्टेंस हीलिंग हो, रेकी हो, जो भी हो। बबीता जी इंटुइटिवली एंड आप ऑलरेडी उनके इंटुइटिव पावर्स जिसको बोलते हैं, जो निलेश भी बोल रहे थे, मालिनी ने भी बोला है कि ये जो देखती हैं और जो देख पाती हैं उसका कोई तोड़ नहीं। तो आगे देखते हैं कि क्या स्पेशल ऑफर है हमारे पास। नॉर्मली अगर आप 6 सेशंस लेंगे बबीता जी के साथ अपने लिए या अपने परिवार के लिए, डिस्टेंस हीलिंग है, डाउनलोड है, क्लियरिंग है, उपाय है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, थीटा, मंत्र, स्कैनिंग, कुछ भी चूज बबीता जी एक्चुअली आपके लिए चूज करेंगी। बबीता जी अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे सिर्फ वास्तु के साथ करना है, क्या आप वो भी करते हैं? हाँ जी, फैंटास्टिक। नॉर्मली 6 सेशंस आपके साथ बबीता जी, उसका कॉस्ट क्या होता है? 21,000 रुपए या 329 US डॉलर्स। मेरी हिंदी गिनती तो नहीं, बबीता जी 329 को हिंदी में बता दीजिए। 329 $329 बोल दिया। नॉर्मली ये कॉस्ट होगा 6 सेशंस बबीता जी के साथ पर, क्योंकि आप मिस्टिक लोटस एंड ड्रैगन फ्लाइज ऑसम मास्टर क्लास में हैं। बबीता जी के पास आपके लिए बहुत स्पेशल ऑफर है जो है अभी आ रहा है, सिर्फ 10,000 रुपए 6 सेशन, सिर्फ 10,000 रुपए, 52% की बचत, 92 बबीता जी 52 हिंदी में 92 52% की सेविंग है, 10,000 रुपए केवल 6 सेशंस के साथ, 6 सेशंस के लिए। एंड मैं आपको बताऊं ये जो ऑफर है इसका कोई मैं क्या बोलूं, जहां 21,000 रुपए लगते हैं आपको सिर्फ 10,000 रुपए में 6 सेशंस मिल रही हैं। ये आपका पहला ऑफर है। दूसरा ऑफर जो है बबीता जी के साथ आपके पास है, आप 6 पे नहीं जाना चाहते हैं, आप सिर्फ 3 ट्राई करना चाहते हैं, 3 ऑफर्स आपके लिए अगर आप लेते हैं सेम है, चाहे आप अपने लिए लीजिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए लीजिए। उसका रेगुलर प्राइस होता है 10,500, करेक्ट बबीता जी? यस, 10,500 या फिर 165 US डॉलर्स। बबीता जी 165 को आप बोल दीजिए, 160 और 5 रुपए और 5 मैं ये बोल सकती हूँ। तो $165 नॉर्मली इसका कॉस्ट होगा अगर आप 3 लेते हैं। ऑब्वियसली टेलीसमिट पे हैं, मास्टर क्लास में हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल ऑफर है जो है सिर्फ 7,000 के लिए, 3 सेशन सिर्फ 7,000 या $110 के लिए, 7,000 रुपीज और $110। इनकी पेमेंट ऑप्शंस ऑलरेडी चैट में भी डाली जा दी जा रही हैं और ग्रुप में भी पोस्ट हो रही हैं। और जो भी है यहाँ पे, अगर आप नहीं मैं सिर्फ एक ट्राई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपके लिए भी एक बहुत स्पेशल ऑफर है। नॉर्मली एक सेशन आपके साथ जो होता है बबीता जी, उसका कॉस्ट होता है 3,500 रुपए, 3,500 रुपए या 55 US डॉलर्स, $55। ये पता नहीं, 55 पता है, $55। हाँ जी बिल्कुल सही, 55। नॉर्मली आप अगर एक सेशन लेंगे बबीता जी के साथ, इट्स फॉर 3,500 रुपए, पर क्योंकि आप यहाँ पे हैं, इस टेली समिट पे हैं, इस मास्टर क्लास पे हैं, किसी को बबीता जी आपको घंटी सुनाई दे रही है? हाँ, आपको घंटी सुनाई दे रही है। जो लोग हमारे साथ पुराने हैं वो जानते हैं इस घंटी का क्या मतलब है, जो नए हैं इस घंटी का ये मतलब, ये संकेत इशारा है कि आपके लिए एक बहुत अमेजिंग ऑफर है जो कॉल के बाद नहीं रहेगा। आप सिर्फ अभी इसी वक्त कॉल के खत्म होने से पहले एक सेशन उपमा जी के साथ सिर्फ 1,100 रुपए में ले सकते हैं, 1,100 रुपीज या $18, $18।
ये सिर्फ ऑन कॉल आपका सुपर स्पेशल फ्लैश ऑफर है जो बबीता जी ने बहुत जेनरसली यहाँ सामने रखा है. आप अगर सिर्फ एक ट्राई करना चाहते हो 1100 बस अमूल्य है ये घी मक्खन वाला नहीं दूसरा वाला एकदम इस ऑफर की कोई तुलना नहीं है कोई कंपैरिजन नहीं है ये प्राइसलेस है अनमोल है ये. थैंक यू सो मच बबीता जी. इनफैक्ट जो 6 सेशंस की भी ऑफर है जो 3 सेशंस की भी ऑफर है बहुत जेनरस है बबीता जी. थैंक यू सो मच. एंड याद रखिएगा सब लोग प्लीज 1100 रुपए का 1 सेशन ऑप्शन जो है आपके पास सिर्फ कॉल के एंड तक का टाइम है. ये ऑफर कॉल खत्म होने के बाद नहीं रहेगा. सो प्लीज पेमेंट ऑप्शंस स्क्रीन पे हैं चैट में हैं ग्रुप में हैं एंड ये वाला ऑप्शन आपको रिप्ले ईमेल में नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ कॉल पे आपके ले सकते हैं. थैंक यू बबीता जी. रिपीटिंग सबके लिए एक बार वेरी क्विकली बहुत जल्दी 6 सेशन सिर्फ 10,000 रुपए के लिए 3 सेशन सिर्फ 7,000 रुपए के लिए और 1 सेशन ट्राई करना चाहते हैं सिर्फ 1100 रुपए के लिए सिर्फ बस केवल ओनली. बबीता जी ब्यूटिफुल ऑफर्स थैंक यू सो मच. बहुत बहुत बढ़िया ऑफर्स हैं ये एंड हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं इसको लेकर. बाय द टाइम लोग अपने कार्ड निकालते हैं पेमेंट लिंक्स यूज करते हैं फ्लैश ऑफर लेते हैं बबीता जी यहाँ पे शिल्पी आई हुई है. आई एम जस्ट गोइंग टू लुक फॉर मैं शिल्पी को ढूंढ रही हूँ. मैंने मैसेज भेजा आपको शिल्पी टू अनम्यूट यू. इन्होंने भी आपसे हीलिंग ली हुई है. ओ एंड मैं एक चीज तो बताना भूल गई बबीता जी. एक्सक्यूज मी आपका हर एक सेशन 90 मिनट का है. 90 मिनट का क्योंकि आपने देखा है बबीता जी आप हर एक के साथ आराम से 6-7 मिनट अभी बिता रही थी. तो इमेजिन 90 मिनट के सेशन में क्या क्या बातें होंगी क्या क्या कंसल्टिंग होगी क्या क्या हीलिंग होगी क्या क्या निकलेगा. और 90 मिनट के सेशन 6-90 मिनट के सेशन केवल 10,000 में. ये मतलब और कोई सिचुएशन होती तो मैं बोलती ये मजाक चल रहा है किसी ने कोई मजाक कर रहा है. नहीं कोई मजाक नहीं है बहुत अच्छा ऑफर है प्लीज लीजिए. आप ऑलरेडी देख रहे हैं क्या हो रहा है. शिल्पी यहाँ पे हैं हमारे साथ शेयर करने के लिए. हेलो बबीता दी कैसी हैं आप. मैं बहुत अच्छी हूँ शिल्पी तुम कैसी हो. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. थैंक यू दीदी आपका लाइफ में एक पार्ट होना मेरी बहुत लाइफ में सिखाया आपने मुझे और स्पेशली उन डेज में जब मुझे अपने फादर के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी. और जैसे अभी आपने अपना पर्सनल शेयर किया अपने हस्बैंड के लिए अपने फादर के लिए मैं वैसे ही शेयर करूंगी. 2011 में जब आपने एक टेंटेटिव टाइम मुझे दिया कि फादर का बचना बहुत मुश्किल है लेकिन अगर तुम प्रेयर्स पे बिलीव करोगे विश्वास करोगे तो वो वापस जरूर आएंगे. और जो उनकी लास्ट विश थी मेरे ब्रदर की मैरिज देखने की वो पूरी हो जाएगी और वो सच में हुई. आप पे ट्रस्ट किया आपने हीलिंग करी मेरे फादर की और मेरे में एक विश्वास जगाया उस वक्त वो मेरे लिए आज भी बहुत ट्रस्टवर्दी है. तो इसीलिए जब कभी मुझे लगता है मैं किसी मोड़ पे फंसी भी हूँ सबसे पहले मुझे आप याद आते हो. और फादर के अलावा ब्रदर के भी पर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर आपने मेरी बहुत हेल्प की थी. जहाँ वो थोड़ा सा फादर के साथ अगेंस्ट हो गया था उनके रिलेशनशिप को स्मूथ कराया फादर सन के रिलेशनशिप को स्मूथ कराया हमारी फैमिली में एक बॉन्डिंग कराई. और आज 10 से 11 साल का लंबा सफर आपके साथ लवेबल है अनफॉरगेटेबल है और रियली बहुत कुछ आपसे सीखने के लिए मिलता है. और मैं यही चाहूंगी कि आपका साथ मेरी लाइफ में ऐसे ही बना रहे. मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे हर पल जैसे आज जुड़े हुए हैं. और सीखती रहूंगी आपसे और गॉड से प्रे करूंगी आपको बहुत सक्सेस मिले लाइफ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू शिल्पी. थैंक यू आने के लिए एंड शेयर करने के लिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो बबीता जी यहाँ पे शिल्पी आई और अपने फादर की हेल्थ का फिर अपने ब्रदर के रिलेशनशिप इश्यूज सब शेयर किया है. जो इन्होंने बहुत सारे जो सवाल है वो यहाँ पे भी कवर हो जाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है ना बबीता जी जो आप
इस थीटा स्वॉप और बाकी सब मोडालिटीज की कॉम्बिनेशन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते इसके साथ, करेक्ट? और मैं सबको एक और बार याद दिला दूं, 90 मिनट के सेशन है और आप अगर अभी फ्लैश ऑफर ले रहे हो सिंगल सेशन का क्योंकि आप ट्राई करना चाहते हो, आप इतना याद रखिए कि आप फिर भी अपग्रेड कर सकते हैं। आप एक सेशन ट्राई करके 3 सेशन को अपग्रेड कर सकते हैं, 5 सेशन 2 सेशन और या 5 सेशन और के लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं और वो पेमेंट लिंक आपको ईमेल में मिल जाएगा, ग्रुप में भी डाला जाएगा। तो देखिए आपके पास ट्रायल का भी ऑप्शन है, अपग्रेड का भी ऑप्शन है। इसके बाद नो बहाना, कोई बहाने नहीं चलेंगे, ट्राई तो करना बनता है, क्या बोलते हैं बबीता जी? बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, बहुत सारे सवाल, इनफैक्ट मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि बबीता जी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी कॉल के बाद ग्रुप पे। हाल फिलहाल अभी के लिए 1-2 सवाल मैं बस पूछ रही हूँ क्योंकि सवाल यहाँ पे आ रहे हैं बबीता जी। बबीता जी, आशा पूछ रही है क्या हम दूसरों के लिए भी बुक कर सकते हैं और क्या जरूरी है कि उस पर्सन, उस बंदे का आपके सामने आपके पास होना? ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरे के लिए भी बुक कर सकते हैं, उसमें हम डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं और भी कुछ बात करने के बाद अगर हमें लगता है कि वो उससे परमिशन ले सकती है कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तो तब भी हम उनका सेशन कर सकते हैं। थैंक यू ये चीज क्लैरिफाई करने के लिए। तो अगर आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं, ये चीज जरूरी है बबीता जी कि उनकी परमिशन होनी जरूरी है, आप किसी की परमिशन के बगैर काम नहीं करते। हाँ, अगर कोई मदर है, अगर अपने बेटे के लिए काम कराना चाहती है या बेटी के लिए काम कराना चाहती है तो वो कर सकते हैं, हस्बैंड के लिए कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर कोई रिलेशनशिप का काम कराना चाहती है, अपनी पोती का काम करा सकते हैं, जो हमारे अपने रिलेशनशिप में उसका काम करा सकते हैं। अगर कोई और अलग पर्सन है तो या तो उससे ले लें कि हम तुम्हारी हीलिंग करा रहे हैं, है ना, काम करा सकते हैं। अगर हम स्वैप नहीं करेंगे तो हम उसकी रैकी कर देंगे क्योंकि रैकी में हमें परमिशन की इतनी जरूरत नहीं होती, थीटा में होती है। जी, जैसे हम देख रहे थे क्योंकि आप सबको पूछ रही थी क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। जी, जी, जी। और जो बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं या माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, तो हम माँ के थ्रू उनकी माँ की वूम हीलिंग कर सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। और नवीना पूछ रही है आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी कैसे यूज करती हैं, अगर वो चाहे कि सिर्फ आपके साथ न्यूमरोलॉजी का सेशंस, हीलिंग सेशंस करना चाहें, तो आप न्यूमरोलॉजी कैसे यूज करती हैं? बबीता जी, टीम आप मुझे बता सकते हैं क्या सिर्फ मेरे लिए स्क्रीन फ्रीज हुआ है? हाँ जी बबीता जी, जी आप म्यूट हो गई हैं, एक मिनट। बबीता जी, हाँ वेलकम बैक, वापस स्वागत है आपका। तो पूछ रहे थे कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी कैसे यूज करते हैं, मतलब आप कैसे यूज करती हैं? बबीता जी, आपका स्क्रीन फिर से फ्रीज हो गया है। ओके, यू नो व्हाट, एक काम करेंगे, बर्थ ऑफ डेट लेते हैं। ओके, जी बबीता जी,
आई थिंक थोड़ा वाईफाई शायद फ्लक्चुएट हो गया होगा, आपका स्क्रीन थोड़ा हैंग हो रहा है. बबीता जी ओके, जब तक हम उन्हें यहाँ स्क्रीन पर देख पाए, आप लोगों ने बहुत सवाल पूछे हैं. दीप आपने ये भी पूछा है कि हम क्या सवाल किसी और, कैन वी आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू अदर्स आल्सो और ओनली रिलेटेड टू अस. दीप आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि हीलिंग सेशन आप करना चाहते हैं बट सवाल किसी और के लिए पूछना चाह रहे हैं, ये आपका सवाल है? एक बार अगर कंफर्म कर देंगे तो मैं अकॉर्डिंगली बबीता जी को पूछ सकती हूँ. करेक्ट है नवीना, हम वो अभी नहीं दिख रही है, वी आर ट्राइंग टू, हम देख रहे हैं कि कुछ नेटवर्क ये हो गया है कि क्या हुआ है. एंड एनीवे प्लीज याद रखिए कि बबीता जी आपके साथ कॉल के बाद ग्रुप में भी इंटरैक्ट करेंगी. इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी, देयर यू आर बबीता जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज. हाँ जी, हाँ जी, लगता है भारी भरकम एनर्जीज आज निकली हैं स्कैनिंग में इतने में ही. अकि आपका वाईफाई बोल रहा है, अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले लूं. आप बताइए क्या क्या क्वेश्चन है जी. कोई दीप पूछ रहे हैं कि सेशन, दीप कौर पूछ रहे हैं कि सेशन में जो भी क्वेश्चंस होंगे क्या वो सिर्फ मुझसे रिलेटेड होंगे या मैं सवाल पूछ सकती हूँ रिलेटेड टू फैमिली या भाई या हस्बैंड? किस चीज में, न्यूमरोलॉजी में, किस चीज में? ये जनरली अगर ये सेशन लेते हैं आपके साथ तो जो भी क्वेश्चंस होंगी क्या वो सिर्फ इनको रिलेटेड होंगी, मतलब दीप को रिलेटेड होंगी, या फिर वो आपको अपनी फैमिली हस्बैंड ब्रदर के बारे में भी पूछ सकते हैं? वो अपने हस्बैंड और ब्रदर और सारी फैमिली के लिए न्यूमरोलॉजी में पूछ सकती हैं, टैरो रीडिंग में पूछ सकती हैं. दीप आई होप ये क्लियर हो गया है. रूपी ने भी यही पूछा है कि क्वेश्चन सिर्फ खुद के बारे में है, खुद के बारे में या रिलेटेड टू फैमिली. एक सेकेंड बबीता जी, आई थिंक जो ये पूछना चाह रहे हैं, प्लीज आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा ग्रुप पे, आई थिंक पूछना चाह रहे हैं कि जब आपके साथ इंटरेक्शन होगी, आप उनको सवाल करेंगे या वो भी आपको बोलेंगे कि हमको ये है हमको वो है, क्या वो सिर्फ अपने इश्यू को लेकर आपके साथ बात कर सकते हैं या उनके फैमिली मेंबर या किसी के साथ कुछ है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं उस चीज को लेकर? वो बिल्कुल पूछ सकते हैं क्योंकि इश्यू तो इश्यू है जी, हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप इशू है, तो जब इशू क्लियर होंगे तो तभी काम कर पाएंगे. यही पूछना चाह रहे थे वो. थैंक यू दीप एंड रूपी आपके कॉन्फर्मेशन के लिए. एक्सक्यूज मी, सो ये एक और थोड़ा डाउट क्लैरिफाई हो गया है. एक सवाल था थोड़े टाइम पहले आया था, आई थिंक दिनास आपने लिखा था शायद, कि प्लीज बबीता जी को पूछिए कि सोरायसिस क्यों होता है. हमारी जब नस नाड़ियां अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाती हैं, फिर हम उसमें ये भी देखते हैं कि कौन सा ग्रह उनका काम नहीं कर रहा है और बॉडी में क्या चल रहा है. और ये इतना पेनफुल नहीं है, अगर हम इस पे थोड़ा सा भी वर्क करें तो ठीक हो सकता है. क्योंकि इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, कहाँ से आया है, कौन सा ग्रह, कौन सा इनका ग्रह काम नहीं कर रहा है. तो हम सब चीजों को लेके चलते हैं हर चीज में, तभी हम काम कर पाते हैं. खाली ये नहीं कि हम एक चीज को बाउंड कर ले, हम देखते हैं बंदे से बात करके कि कब से हो रहा है ये उसको और कहाँ से आई ये बीमारी. एंड ये बात मैं तो 100% कंफर्म कर ही रही हूँ, सब जो आए हैं वो भी बोल के गए हैं कि
एक्चुअली बबीता जी सिर्फ एक चीज लेके करती ही नहीं है, वो सब एंगल पकड़ती हैं, जो मोडालिटीज आ रहा है सामने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो भी लेके चलती हैं। आपके अगर कुछ सवाल हैं आप 100% उनको पूछ सकती हैं। मौका ज्यादा मैं वो आपको सब चीज लेकर बताएंगे, एंड इवन जो है छोटी छोटी चीजें जो हैं जो आपको हेल्प करेंगी, जो कंट्रीब्यूट करेंगी आपके जर्नी में, वो भी आपको बताती हैं। ऐसा नहीं है कि जो कॉल के बीच में सडनली आपके सेशन हो रहा है वो बोलेंगे कि अच्छा ये है आपको ये करना है, रुको मैं आपको भेज रही हूँ, तो आपको पिक्चर भी भेज देंगी, आपको कोई यूट्यूब लिंक भी भेज देंगी, जो जो भी आता है वो सब आपको देती हैं। सो प्लीज एक बार एक्सपीरियंस कर ही लो आप। फ्लैश ऑफर अभी भी अवेलेबल है, 1100 रुपए का एक सिंगल सेशन। अपग्रेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारा टाइम कहाँ निकल गया, थोड़ी सी डिले के साथ शुरू हुआ था, सो सबको बहुत शुक्रिया उनकी पेशेंस के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, बबीता जी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगी ग्रुप में। हम हाल फिलहाल क्लोजिंग की तरफ आ रहे हैं, इसलिए बोल रही हूँ ताकि जिन्होंने भी अभी तक फ्लैश ऑफर नहीं लिया है प्लीज ले लो, ये मौका हाथ से मत जाने दो। एंड सबसे बड़ी बात, आप अपग्रेड भी कर सकते हो। सो बबीता जी आप हमारे साथ आज थोड़ा सा शेयर कीजिए, आप यहाँ पे पहली बार आई हैं, सबको सबसे मिलके सबसे बात करके आपको कैसे लगा है, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इतने सालों से आप ये काम कर रही हैं, आपका लगाव इस काम की तरफ, आपका प्रेम इस काम की तरफ साफ साफ दिखता है, फिर मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों पसंद करती हैं इस काम को? जब लोगों के काम होते हैं और वो ब्लेसिंग करते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जरूरी नहीं है कि हम काम करते हैं और मन से करते हैं और सच्चाई और ईमानदारी से, जब किसी का कोई हमें ब्लेस करता है और फिर आगे बढ़ने का और मन करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने कहा आपका प्यार आपके काम की तरफ दिखता है और सबका प्यार आपकी तरफ दिखता है। तो बबीता जी थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे इस मास्टर क्लास में, आपने हमको एक बहुत सुंदर सी चीज के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, लोग आए आपके बारे में बात की, लोगों ने खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑफर्स लोगों ने लेना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, सो ग्रुप में सब लिख रहे हैं मुझे नंबर चाहिए कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप अगर एक बार सबको बता दें कि जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा आप उनको कैसे कांटेक्ट करेंगी फॉर द सेशंस के लिए। हम जूम पे भी कर सकते हैं, तो आप लिंक भेजेंगी उनको? हाँ यस, मैं उनको लिंक भेजूंगी। एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन होगा आपका ये डिसाइड करने के लिए कि आपको फोन पे करना है कि जूम पे करना है, फेस टू फेस करना है या वीडियो कॉल पे करना है। तो जैसे ही पूरी इंफॉर्मेशन आपको पहुंच जाएगी आप सबको कांटेक्ट कर लेंगी, करेक्ट? ग्रेट, आई होप ये सवाल जो कोई पूछ रहा था ये सॉर्टेड है। और मुझे पता है काफी काफी सवाल शायद मिस हो गई है एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, उसके लिए माफी चाहती हूँ। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अभी भी रह गया है प्लीज अभी पूछ ले, क्योंकि लाइक आई सेड हम क्लोजिंग ऑफ द कॉल की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा 2 मिनट और खींच रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब प्लीज फ्लैश ऑफर लीजिए और उसके बाद अपग्रेड कीजिए प्लीज। एंड सीधा 10 या 3 लिया है तो इवन बेटर, सो दैट इज ये है, यही चीज है। बबीता जी थैंक यू, आज मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट अलग सा दिन रहा है, आप जानती हैं पिछले 2 दिन से मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, मैंने इतनी स्ट्रेच पे इतनी हिंदी आज स्कूल के बाद आज तक नहीं बोली है।
तो आई होप आपने एंजॉय किया है आज, मुझे बहुत मजा आया. मैं तो आपके साथ काम कर ही रही हूँ एंड आई प्रे कि सब लोगों को मौका मिले आपके साथ काम करने का, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही अलग है एंड सबको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए. तो बबीता जी, जाने से पहले आप कुछ शेयर करना चाहेंगी हमारे साथ, कुछ बताना चाहेंगी हमें जाते जाते? मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ करने में काम, अमरीश जी के साथ, शिल्पा के साथ और आपके साथ. बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे, मैंने आपसे साफ बोल दिया कि मुझे हिंदी में ही करना है और आप लोगों ने पहली बार शायद मिस्टिक लोटस ने हिंदी में किया है, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. और आपके चक्कर में हमने भी कुछ कर दिया पहली बार, तो थैंक यू बबीता जी. और आप करते रहिएगा मेरे लिए. एकदम से, एकदम से. आई नो कि लोग चाहेंगे कि आप बार बार आए, और एक्चुअली कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आप सिखा नहीं रही हैं, आप सिखाती भी हैं. हाँ जी. तो अभी के लिए, अभी ये है जो सिखाने के लिए है, जो भी है आई एम श्योर आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट बबीता जी? हाँ जी. अभी आप सेशन तो लीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, सीखते रहिएगा साथ में. भारती ने तो बोल दिया मुझे सीखना पड़ेगा, उसने आई थिंक सेशन भी ले लिया. थैंक यू. मैं सच्ची बोलूं बबीता जी, मुझे बाय बोलने का मन नहीं कर रहा है. मेरा भी नहीं कर रहा है. मेरे बहुत सारे लोग हैं जिनके फोन आ रहे हैं, जिनको मैंने यहाँ पर बोलने के लिए कहा था, लेकिन एक और को ले लेते हैं बबीता जी. लगे से मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे फोन, मुझे कॉल क्लोज करने का मन नहीं कर रहा है, बट बहुत लोग यहाँ पे बहुत टाइम से हैं एंड सबको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू आपके पेशेंस के लिए. बबीता जी थैंक यू आपके पूरे कॉल के लिए. आप किसी का भी नाम ले लीजिए, अंजलि जिसको है, हम बुला ले प्रीति, मैं प्रीति को बुलाऊं? हाँ जी, देखते हैं. तो जाते जाते, क्योंकि हम बस सुनना चाहते हैं आपके काम के बारे में, सबसे प्रीति को हम इनवाइट कर रहे हैं. प्रीति आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज वीडियो पे आ जाइए. हाय प्रीति. हेलो हेलो बबीता आंटी, नमस्ते एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से इस कॉल पे बनी हुई हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि मेरे अलावा इतने सारे लोग हैं जो आपसे इतने ब्लेस्ड हो चुके. मतलब बबीता आंटी, जैसे अनलेश ने कहा था ना कि एक सूरज है, जस्ट लाइक मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ में ना एंजल बन के आई हूँ. मतलब फ्यू ईयर्स बैक आई कैन से कि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारी रिलेशन इश्यूज थे, बट आंटी के कॉन्टेक्ट में आते ही ना इतनी पॉजिटिविटी पता नहीं कहाँ से आ जाती है. वो अपने आप ही इतना पॉजिटिवनेस भर देती है ना आपके अंदर कि नेगेटिविटी की तो जगह ही नहीं रहती. सीरियसली शी इज एन एंजल. और इवन एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूंगी. लाइक 2-3 ईयर्स बैक मेरे हस्बैंड को डेंगू हो गया था, तो ही गॉट हॉस्पिटलाइज. तो उस केस में क्या रहा, मतलब उस टाइम पे डेंगू इतना फैला हुआ था कि कोई भी 10 दिन से ज्यादा 20 दिन, मतलब इतना लॉन्ग ड्यूरेशन ले रहा था रिकवरी के लिए. बट मैंने आंटी को बोला, लेट आवर्स में मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया. इवन मैंने उन्हें अपने हस्बैंड की फोटो भेजी, जैसे उन्होंने मुझे बोला. उन्होंने मेरे हस्बैंड की जस्ट फोटो से और जस्ट डिटेल से उनकी हीलिंग की एंड you will shock to know कि 3 days के बाद 4th day my husband was back at home and I was really very happy and I thank the Lord. Siri, no, that हर चीज़ के लिए ना, whenever I feel कि मुझे कोई problem होगी, मैं just she is a single call away from me and every time she is available. Money doesn't matter for her. Seriously, उनका client जब तक पूरा satisfy नहीं हो जाता ना, she never give up. Every time she is working hard and hard and hard. Thank you, auntie. Thank you for coming in my life. And really, मैं bless करती हूँ, मैं भी आपके लिए blessings देती हूँ कि God आपके business को भी चलाए और आपको भी हमेशा healthy रखे और मतलब आप हमेशा खुश रहे. Thank you so much, auntie. Thank you. Thank you, प्रीति, आके share करने के लिए. And on that, वो बहुत ये thank you. आपकी smile, आप
आपकी एंथुजियाज्म, आपका प्यार बबीता जी के लिए, ये बहुत अच्छा मुकाम है जहां हम ये कॉल अब क्लोज कर सकते हैं. बबीता जी थैंक यू सो मच, शुक्रगुजार. थैंक यू, मेरे लिए एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपकी वजह से आज ये भी क्रिएट हुआ है, तो थैंक यू सो मच. विशिंग यू एवरीबॉडी अ ग्रेट जर्नी विथ ईच अदर. आप लोग सब बबीता जी के साथ जुड़िए और आप दोनों आगे बढ़ें. थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि.